बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आज वृत्तपत्रात केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवालात जैन बांधव 19% मांसाहारी अशी माहिती प्रसिद्ध झाली. यामुळे जैन समाज संतप्त झाला आहे. या खोट्या माहितीचा सर्वत्र निषेध व्यक्त केला जात आहे. राष्ट्रसंत आचार्य देवनंदजी महाराज यांनीही या अहवालाचा तीव्र शब्दात निषेध केला असून हा जैन समाजाला बदनाम करण्याचे षडयंत्र असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. भगवान महावीर यांच्या जिओ और जिने दो या सिद्धांतावर चालणारा जैन समाज कांदे बटाटे आदि कंदमुळे खाल्ल्याने जीव हत्य होते म्हणूनच ते खात नाहीत. किडामुंगी मारू नये असा अहिंसा परमोधर्म हा जैन सिद्धांत आहे. अशा शाकाहारी उत्तम आहार अंगीकार असणाऱ्या समाजाला बदनाम करण्याचे षडयंत्र असून जैन साधू संत व बांधव यांचा तीव्र शब्दात त्यांनी निषेध व्यक्त केलाय. हा खोटा अहवाल त्वरित मागे घ्यावा असं आवाहन आचार्य श्रींनी केलं आहे. प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूज साठी विनोद पाटणी उमराणे. कहना चाहूंगा कि मैं हिंदी दैनिक भास्कर का प्रतिदिन का पाठक हूँ. मुझे डेली की न्यूज लगती है और दिव्य मराठी शायद उसी का ही आवृत्ति है. मराठी में एक बहुत अच्छा पेपर है जो हमारे देश और विदेश की सारी गतिविधियों को हमारे देशवासियों के सामने रखती है. अभी हमारे देश में जो कार्य चल रहे हैं इन कार्यों के लिए हमारे देश के साधु संत महात्मा लोग, हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग देश हित में बहुत सारे कार्यों को कर रहे हैं. ये बात ये समाचार जब मैं सुनता हूँ और पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है. इसी सिलसिला में कल जो पहले अखबार का मैंने ऊपर हेडलाइन जब पढ़ी और उसमें देखा तो जो उसमें न्यूज दी थी कि जैन धर्मी में 14% पुरुष और 5% महिलाएँ मांसाहारी हैं तो ये देख करके ही मेरे को थोड़ा सा ताज्जुब लगा. हालांकि यह न्यूज या यह सर्वेक्षण भारत सरकार का सर्वेक्षण है और उनके द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है क्योंकि इतनी बड़ी भूल नहीं होना चाहिए. हमारी जैन समाज शाकाहार अहिंसा एवं अध्यात्म त्याग में विश्वास रखने वाली समाज है और हम लोग नॉन वायलेंस के नाम पर एक चींटी को मारना भी पाप समझते हैं, किसी पेड़ पौधे की पत्तियां तोड़ना भी पाप समझते हैं तो फिर किसी जीव को मार करके जैन समाज खाएगी ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है. कदाचित इक्का दुक्का लोग हर समाज में हो सकते हैं. हम यह नहीं कहते हैं कि जैन समाज में ऐसा नहीं होगा किंतु जैन धर्म में और जैन समाज में जन्म लेकर के हर व्यक्ति महावीर के प्रति श्रद्धा रखता ही हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है. कुछ नास्तिक विचार वाले लोग भी होते हैं और ऐसे विचार शैली में यदि कोई 0.1% भी यदि कोई मिले तो बहुत बड़ी बात है. ऐसा है नहीं तो मैं आपके इस दिव्य मराठी के माध्यम से केंद्र का वो महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोर वर जा. प्रबोधभूमी ऍप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट रहा.